1200 करोड़। दो दोस्तों ने मिलकर कमा लिया 1200 करोड़, वो भी सिर्फ मोमोज बेचकर। शायद आपको जानकर हैरानी होगी बट दिस इज द रियलिटी। आज हम बात करने वाले हैं सागर दरियानी के बारे में और विनोद कुमार के बारे में, जो दोनों एक फ्रेंड थे, कोलकाता में रहते थे, कोलकाता में स्टडी करते थे, और 2008 में इन्होंने एक छोटे से कार्ड से अपना एक मोमोज का बिजनेस शुरू किया था, जो आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और ये साल में 1200 करोड़ के भी ज्यादा के मोमोज सेल कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं वाव मोमो के बारे में। वाव मोमो को आज के टाइम पे कौन नहीं जानता है, वाव मोमो को सभी लोग जानते हैं, और वाव मोमो की सफलता से निकाल कर आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं, और मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप भी एक मोमो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ मोमो सेलिंग बिजनेस, देन आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसमें आपको वाव मोमो के बारे में भी जानने को मिलेगा, और साथ साथ में अगर आप एक मोमोज बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि इस बिजनेस को कौन शुरू कर सकता है, कैसे आपको सेटअप लगाना है, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना समय लगेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो पूरी ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। अगर तो आप शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उस व्यक्ति के पास में जो इस बिजनेस को कर सकता है। मैं हूं समर शर्मा, आपका मेंटर, तो चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको 7 स्टेप्स में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी मोमो सेलिंग बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आज के टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड है वाव मोमोज, इसकी शुरुआत हुई कैसे। कई बार हमारे दिमाग में भी आता है कि जब ऑलरेडी मार्केट में इतने बड़े बड़े ब्रांड है, इतने सारे लोग जो है वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे अभी स्कोप है एक ब्रांड बनाने का। तो वाव मोमो की अगर मैं बात करूँ, तो वाव मोमो की शुरुआत जैसे मैंने बताया आपको 2008 में सागर दरियानी और विनोद कुमार जब ये दोस्त हुआ करते थे, जब ये पढ़ाई किया करते थे, उन दिनों ये मोमोज खाया करते थे आंटी के, इनको मोमोज बहुत पसंद हुआ करते थे। तो एक दिन इनके दिमाग में ये थॉट आया कि यार आज के टाइम पे अगर मुझे पिज्जा खाना है तो मेरे पास में डोमिनोज का ऑप्शन है, अगर मुझे बर्गर खाना है तो मेरे पास में मैकडॉनल्ड का ऑप्शन है, बट अगर मुझे मोमोज खाना है तो मोमोज का तो कोई बड़ा ब्रांड है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया था। तब उनके माइंड में आया कि हाँ यार, बहुत बड़ा मार्केट है, अनऑर्गेनाइज पूरा मार्केट है, लोग वहां पे मोमोज तो सेल कर रहे थे लेकिन कोई मोमोज का कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था। तब उन्होंने उस समय पे शुरुआत करी थी वाव मोमो की, एक छोटे से कार्ड से उन्होंने शुरुआत करी थी और आज इतना बड़ा वो ब्रांड बन चुका है। तो डेफिनेटली आप भी शुरू कर सकते हैं। एंड अभी भी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो 40% लगभग मार्केट ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज है, यानी कि लोग मोमोज तो सेल कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़े ब्रांड्स अभी भी मार्केट में नहीं है। तो डेफिनेटली स्कोप बहुत बड़ा है, और आप मोमोज अगर स्टार्ट करना चाहें, मोमो बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, और इतना बड़ा ब्रांड तो आप बना ही लेंगे कि आप लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सके इस बिजनेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई इस बिजनेस को कौन कौन शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि यार मेरे कॉलेज अभी फिनिश होने वाले हैं और इसके बाद मुझे कुछ तो कुछ अपना काम करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है, तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बनी हुई हैं लेकिन उनमें कंप्लीट जानकारी नहीं है, जो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को देख के समझ के इसको शुरू कर सकते हैं। चाहे इसको फुल टाइम में करना चाहे तो फुल टाइम में भी कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम में करना चाहे तो आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊँ आपको, अगर आप फूडी है, आपको खाना पसंद है और आपको खिलाना पसंद है, आप ब्लॉगिंग पसंद करते हैं, भाई आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना इन फ्यूचर आपके दिमाग में लेकर रेस्टोरेंट शुरू करें, तो आप ये छोटी शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप एक जॉब पर्सन है और आप चाहते हैं कि पार्ट टाइम में मैं कुछ कर सकूं, तो आप दोपहर से लेकर आप रात तक एक पार्ट टाइम मतलब 5-6 घंटे के दौरान भी आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सही ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपका माइंड एंटरप्रेन्योरियल माइंड है, जैसे सागर और विनोद का था कि आपको एक ब्रांड बनाना है, आपको इसमें एक स्कोप दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई सेटअप, ये सेटअप लगाने में कितना कॉस्ट आता है। तो वाव मोमो की अगर मैं बात करूँ तो वाव मोमो की शुरुआत तो सिर्फ 30,000 से हुई थी। उस टाइम पे इनके पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि लाखों रुपए नहीं थे कि भाई ये कोई मॉल में जाके शॉप खरीद ले और एक बड़ी शुरुआत करे। तो इन्होंने भी जो शुरुआत करी थी एक बहुत ही छोटी शुरुआत करी थी, और उनके पास तो कार्ट लेने के भी पैसे नहीं थे। और उस समय कोलकाता में एक रिटेलर कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अर्जी डाली और वहाँ से उन्होंने कार्ट भी इन्होंने रेंट पे लिया था, और उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी, और धीरे धीरे जब इनकी सेल 50-60 हज़ार रुपये मंथली होने लगी तो इन्होंने एक शॉप खरीदी, और उसके बाद में शॉप खरीदने के बाद में इनकी जो सेल थी वो 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के आसपास की होने लगी थी। तो स्टार्टिंग में आप भी शुरुआत एक कार्ड से कर सकते हैं, उसके बाद में आप चाहे तो एक शॉप पे जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं कार्ड की बात करूं तो मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया, एक अच्छे से अच्छा कार्ड आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 40,000 के अंदर मिल जाता है, यानी कि 40,000 रुपए सिर्फ आप लगा के एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा और टिकाऊ कार्ड आप बना सकते हैं। अगर आपका बजट आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डाउन है, तो आप इसमें कॉस्ट कटिंग थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैंने जो देखा बहुत एक अच्छा शानदार आपको 40,000 अंदर मिल जाएगा। सेकंड सेटअप के अंदर आपको बेसिक कुछ सामान चाहिए होता है,
जैसे कि आपको पता है कि मोमोज के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टीमर हो गया, कढ़ाई हो गई। आपने देखा होगा जब आप मोमोज लेने जाते होंगे या लोकल एरिया से जब आप खाते होंगे तो वहाँ पे कौन कौन से कोई बेसिक सामान आपको जो चाहिए होता है। इसके अलावा आप जो पैम्पलेट्स लेंगे या जो होर्डिंग्स लगवाएंगे उसके जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं आती। आपकी जो कॉस्टिंग आती है सिर्फ 60,000 से लेकर 70,000 रुपये के आसपास भी। और अगर इसमें भी आप कॉस्ट कटिंग करना चाहें तो इसके 50% में भी आपकी शुरुआत करने को आप शुरुआत कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। कार्ड सेटअप करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारी प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड मेन्यू। ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वाव मोमो के सक्सेस का सीक्रेट भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। वाव मोमो आज वाव मोमो इसलिए है बिकॉज उनके प्रोडक्ट बहुत शानदार रहे। स्टार्टिंग की उनकी जो प्राइसिंग रही वो बहुत सही रही। वो अलग बात है कि आज ये 200 रुपए से ज्यादा के भी मोमोज को सेल करते हैं। जहां पे लोग 30-40 रुपए के मोमो खाना पसंद करते हैं वहां पे ये लोग 200 रुपए के मोमो सेल करते हैं और लोग वो भी खाना पसंद करते हैं। बट इनकी भी जो शुरुआत हुई थी वो 40 रुपए से ही शुरुआत हुई थी। तो इनका जो सारा सीक्रेट वो इसमें छुपा हुआ है। अब प्रोडक्ट कहां से लेके आना है, प्रोडक्ट बनाने के भी तीन तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला जो तरीका है, अगर आप प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं। खुद से बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। बहुत सारे वीडियोस हैं YouTube के ऊपर जहां से आप मोमोज बनाना सीख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो इस वाले ऑप्शन में ही छुपा हुआ है। दूसरा है कि अगर आप बहुत ज्यादा हेडेक नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं बनाना है, मैं दूसरा ऑप्शन पर जाना चाहूंगा, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं। आप जिस भी सिटी में इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि मोमोज रिटेलर, तो बहुत सारे आपको मोमोज रिटेलर मिल जाएंगे जो कि रेडीमेड मोमोज आपको देते हैं तरह तरह के, चाहे पनीर मोमोज लेना चाहे वेज मोमोज लेना चाहे किसी भी टाइप का मोमोज लेना चाहे, वो पर पीसेस के हिसाब से आपको दे देते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है, पर वाव मोमो ने भी इस तीसरे ऑप्शन को अपनाया था। इनके पास भी ये चैलेंजेस थी, सागर दरियानी और विनोद कुमार के पास भी, कि हम बढ़िया से बढ़िया टेस्टी मोमोज कहां से लेके आ सकें और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें कैसे बनेगा। डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा बिजनेस में, तभी बिजनेस सस्टेन रहेगा। तो इन्होंने जो तीसरा ऑप्शन वो अपनाया, उन्होंने खुद से बनाने का सोचा मोमोज। खुद से बनाने का मतलब किसी को हायर करना, उन्होंने रेडीमेड मोमोज नहीं लिया, एक बंदे को हायर किया जो उनके लिए ये काम करता था। तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि भाई 10,000 रुपए के आसपास में आप किसी को हायर कर सकते हैं जो अच्छे से आपके लिए मोमोज को बना सके। मंथली इतना ही चार्ज होता है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन है, आप जिस भी ऑप्शन को चूज करेंगे उसके हिसाब से ही आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। कितना मार्जिन बचेगा किसमें ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो भाई प्रोडक्ट भी हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद में तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कि भाई लीगल चीजें। आपको देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट या कैफे तो शुरू नहीं कर रहे हैं। रेस्टोरेंट कैफे जब आप शुरू करते हैं तो बहुत सारे लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ती है, बट फिर भी आप एक कार्ड से शुरुआत करने जा रहे हैं, एक कार्ड में भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिकॉज सबसे पहले अगर आप चाहेंगे कि भाई आप जोमेटो एंड स्विगी के थ्रू भी सेल कर सके तो उसके लिए एक फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जो कि आप ऑनलाइन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फूड लाइसेंस हमें लगेगा। दूसरा, अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर लगा रहे हैं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कार्ड तो लगाएंगे ना, तो अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो आपको डेफिनेटली नगर निगम का एक स्लिप आता है, तो वो आपको स्लिप लेना पड़ेगा। आप जिस भी सिटी में लगा रहे हैं, जिस भी एरिया में लगा रहे हैं, वहां पर जब आप गूगल पर सर्च करके पता करेंगे तो जो भी नगर निगम का ऑफिस होगा वहां पे आप जाके बात कर सकते हैं और वहां पे वो स्लिप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि भाई कोई कल को आके आपको परेशान नहीं करेगा और आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। कई बार कार्ड्स में प्रॉब्लम आती है कि भाई लोग उठा के एनसीडी वाले उठा के लेके चले जाते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन होगा तो वहां पर जाके आप बातचीत कर सकते हैं, वहां से भी आप परमिशन ले सकते हैं। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपना कार्ड लगाते हैं वो किसी की प्रॉपर्टी पर लगाते हैं, तो या किसी की दुकान के आगे हम लगाते हैं, तो वहां पर क्या है कि आपको रेंट देना पड़ता है। तो आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं, किसी मॉल के आगे अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पे आपको बात करनी पड़ेगी भाई कितना रेंट है, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप लीगल चीजों में भी पक्के हो जाते हैं। तो अब हमारी काफी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है भाई लोकेशन एंड मार्केटिंग। जब हम सारी चीजें कर लेते हैं, भाई प्रोडक्ट का भी अरेंज कर लिया, कार्ड का भी अरेंज कर लिया, लीगल चीजों में भी हम एकदम पक्के हो गए, तब भाई लोकेशन सेलेक्ट करना होता है और मार्केटिंग हम स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, तो कुछ मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा। तो वाव मोमो के केस में भी लोकेशन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा लोकेशन ढूंढा कि जहां पे बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे। बाद में उन्होंने थोड़ा सा ब्रांड के साथ में शिफ्ट होना शुरू किया। मॉल में जब उनका प्रॉफिटेबल हो गया बिजनेस, तब उन्होंने मैकडी के साथ में और जो बड़े बड़े डोमिनोज जैसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनके साथ में मॉल्स में अपने शोरूम्स को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बाहर नहीं कर सकते थे, उनको ब्रांड बनाना था। तो लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन, अगर आप सिटीज में हैं तो जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके पास की जो लोकेशन होती है सबसे बेस्ट लोकेशन होती है, क्योंकि वहां मतलब लोग आते जाते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहां पे बहुत मतलब आपको फायदा होने वाला अगर आप कोई ऐसा जगह ढूंढ लेते हैं। दूसरा, कोई हॉस्टल पीजी एंड कोई कॉलेज है तो उसके आसपास भी आप लगा सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा मतलब एरिया आपको ऐसा ढूंढना है जहां पे लोग आते जाते हैं। कोई आपको ऐसा एरिया सेलेक्ट नहीं करना जहां पे भाई लोग ही नहीं आते जाते, पूरे दिन में सिर्फ 10-15 लोग ही ट्रैवल करते हैं। तो आपको ये चीज लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको देख के थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। या कई बार बोलते हैं ना खाऊ गली, जहां पे मतलब हर सिटी में ऐसा होता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कोई भी मतलब एरिया हो, हर जगह एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत सारे कार्ड्स लगते हैं,
तो वैसा एरिया भी चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग की। मार्केटिंग में तो वाह मोमो ने मतलब गेम चेंज कर दिया और वहीं से उन्होंने पैसे बहुत सारे बनाए। तो आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, दो तीन मैं टिप्स आपको देता हूं। जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट सबसे भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखनी है आपको कि आपका मोमोज का जो टेस्ट होना चाहिए बहुत लाजवाब होना चाहिए, मेन्यू आपका ऐसा यूनिक होना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केटिंग टिप आप ये कर सकते हो कि आपके जो प्रोडक्ट के आप नेमिंग कर रहा है वो बहुत थोड़ी इंटरेस्टिंग आप कर सकते हो, मतलब सिंपल नाम ना रखे। जैसे कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 90% लोग ये करते हैं वेज मोमोज, स्टीम मोमोज, इस तरीके का नाम रखते हैं। बट आपका जो मेन्यू है उसमें आप गेम चेंज कर सकते हो, उसमें नाम थोड़े आप यूनिक रख सकते हो जो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। दूसरा, आपको प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है। अगर आपको एक सच में ब्रांड बनाना और बाकी जो नॉर्मल जो ठेले वाले होते हैं उनसे अच्छा बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। कार्ट को आपको एक पूरा ब्रांडिंग करना है, आपके जो भी दो तीन लोग कार्ट पे काम करेंगे उनको प्रॉपर टी शर्ट अपने ब्रांड का नाम का, जो भी आप ब्रांड का नाम रखोगे उनको कैप वैसी दे सकते हो। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वाह मोमो के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ था वो था उनका कॉम्बो। कि स्टार्टिंग में तो लोग वहाँ सिंगल मोमोज खाने जाते थे लेकिन बाद में उन्होंने कॉम्बोज में कन्वर्ट कर दिया कि लोग भाई अभी भी आप जाके देखिए, मैं भी जैसे कई बार जाता हूँ तो मोमोज के साथ साथ मोबर्ग्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको कॉम्बो में देते हैं, कॉम्बो में ज़्यादा फायदा होता है। कॉम्बो से क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डर एवरेज वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हाँ, वाह मोमो ने स्टार्टिंग में क्या किया था, वाह मोमो ने फ्री सैम्पलिंग करी थी। जैसे कि MBA चाय वाला के केस में भी आपने देखा था कि भाई स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी चाय फ्री रखी थी सैम्पलिंग के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने स्टार्टिंग मतलब करी है तो आप 10-15 दिन के लिए, ताकि लोग आपके पास आए और हमें स्टार्टिंग में भीड़ तो चाहिए ना, तो आप फ्री सैम्पलिंग एक दो मोमोज का करा सकते हैं, मोमोज की वैरायटी आप रख सकते हैं अलग अलग ना, इस तरीके से कि लोग आपके पास में आए। इसके अलावा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप ये भी कर सकते हैं कि जितने भी लोग आए आपके पास में आप अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। इसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी जितने आज के टाइम में कितने बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे आप वीडियोस बना के उनके सोशल मीडिया पे भी डलवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप मोमोज ब्रांड को स्टार्टिंग में मतलब शुरू के 3 महीने में भी एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, भाई कितना प्रॉफिट बनेगा। तो भाई 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। तो पहला केस है, अगर आप खुद से मोमोज को बनाना शुरू करते हैं, खुद से मोमोज को बनाते हैं तो आपको इसमें लगभग 50-60% का मार्जिन बचता है, मतलब इतना प्रॉफिट आपको बन जाता है आराम से। तो अगर आप 1,00,000 रुपए का अगर बिजनेस कर रहे हैं मंथली, जो कि आराम से कर लेते हैं क्योंकि 50-60 रुपीज का प्राइसिंग स्टार्टिंग में आप रखेंगे तो भी आप आराम से महीने का 1,00,000 रुपए का बिजनेस कर लेंगे और उसमें सब कुछ बचा मतलब सारा खर्चा निकालने के बाद भी आप 60,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी आपकी सेल के ऊपर है। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो लोग 2-3 लाख रुपए के मोमोज आराम से सेल कर देते हैं दिन का 10-15,000 रुपए का, जो कि मेट्रो स्टेशन के बगल में, तो नॉर्मल वाले की मैं कार्ट वाले की भी बात नहीं कर रहा, वो भी इतने का बिजनेस कर देते हैं तो आराम से आप 1,00,000-1,50,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडीमेड की तरफ जाते हैं कि भाई रेडीमेड ही मेरे को खरीदना है तो उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है, 15-20% का होता है, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी माल कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें भी ठीक ठाक बच जाता है अगर आप किसी से बनवाते हो तो इस तरीके से आपको पता है कि भाई किस में मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने पूरे बिजनेस को प्लान कर सकते हो। एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिली होगी और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप हर एक उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस तरीके का काम ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, इस टाइप का काम करना चाहता है। एंड बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, एंड आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और इस तरीके की शानदार बिजनेस आइडियाज़ अगर आप देखना चाहते हैं और ऐसे केस स्टडीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा आप कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।